to you guys. Welcome to another edition of Planet Bollywood. I am Sagarika Chhetri. And my name is Kunal Saluja. By the way, Sagar, you're looking very happy today. I have some very exciting news for everybody. Wow, kya baat hai. To chaliye iski exciting news janenge, lekin sabse pehle let's have a look at the headlines. Kya Priyanka ke saath Nick Jonas aa rahe hain India? Ranveer Deepika ki shaadi ki date par aaya ek close source se confirmation. Ranbir Kapoor ne kaha, ब्रह्मास्त्र नहीं है एक सुपरहीरो फिल्म। फिल्म राजी शामिल हुई 200 करोड़ के क्लब में। सो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, प्रियंका चोपड़ा और उनके स्पेक्यूलेटेड बॉयफ्रेंड निक जोनस आर गोइंग टू मूव इन टुगेदर। इन फैक्ट दे आर कमिंग टू इंडिया टुगेदर। सो जब इतनी सारी टुगेदरनेस है, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस स्टोरी टुगेदर। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ निक जोनस आ रहे हैं इंडिया। खबर ने सबको चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि प्रियंका निक जोनस को इंडिया लेकर आ रही हैं और यहां निक प्रियंका की मॉम से स्पेशली मिलने आ रहे हैं। यही नहीं, कहा जा रहा है कि प्रियंका अपने घर एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखने वाली हैं, जहां वो निक से अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स को भी मिलवा सकती हैं। यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका और निक एक साथ मूव इन कर सकते हैं और निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा को ये आइडिया दिया है। वेल, निक और प्रियंका डेफिनेटली अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं और ये न्यूज है इनके स्ट्रॉन्ग होते रिलेशनशिप का बड़ा प्रूफ। तो ये कहना गलत नहीं होगा दैट लव इज इन द एयर फॉर प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। वेल, बहुत सारी खबरें हमने खुद यहां बैठकर आपको भी दी थी दैट साथ में उन्होंने बेसबॉल गेम देखा, लंचेस किए, डिनर्स किए एंड देव आल्सो बीन डूइंग अ लॉट ऑफ पीडीए ऑन इंस्टाग्राम। मेट गाला में मिले थे और अब अपेरेंटली निक जोनस हैज टोल्ड यू नो प्रियंका चोपड़ा दैट शी शुड मूव इन टुगेदर विद हिम एंड दे आल्सो कमिंग टू इंडिया टुगेदर। अब भाई इंडिया तो देखो आना पड़ेगा ना, बिकॉज प्रियंका की मम्मी ने चाय पे बुलाया है और ऑब्वियसली जब आंटी पूछेंगी निक बेटा व्हाट विल यू हैव, आंटी आई विल हैव इंग्लिश टी। नहीं, बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेस निक जोनस अपेरेंटली सेज दैट यू नो ही लव्स दैट द रिलेशनशिप इज वेरी इजी एंड ही लव्स दैट प्रियंका चोपड़ा इज ओल्डर टू हिम एंड मैच्योर। Exactly. So, ये निक जोनस को बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा सोर्सेस का कहना है, निक ने अपने फ्रेंड्स को कहा है। एंड ऑब्वियसली प्रियंका चोपड़ा की हाउस वार्मिंग पार्टी है एक सी फेसिंग बंगलो, लाइक उसकी मैंने वर्ड सुनी थी, इट्स लाइक 100 CR। यस इट इज। Once, tens, hundred, thousand, 10,000 lakh, crore. But you know, Kunal, like we discussed, Nick Jonas likes the fact that Priyanka Chopra is a bit more matured than his exes. Okay. And to name a few of his exes, unhone kafi sari Hollywood stars ko date kiya hai. To name a few, Miley Cyrus, Olivia Culpo, Kendall Jenner, okay. Kate Hudson, Selena Gomez, and what? The list goes on. Yeah. Selena Gomez. Okay, she is the most followed celebrity on Instagram. 138 million followers. जी, पर वो निक जोनस की एक्स है, प्रेजेंट है प्रियंका चोपड़ा। स्वैग ब्रो। वेल, आई एम जस्ट थिंकिंग कि जब निक जोनस इंडिया आएंगे तो प्रियंका चोपड़ा उन्हें किन किन जगहों के दर्शन कराएंगे, स्पेशली बिकॉज मुंबई आ रहे हैं वो, तो मुंबई में कौन कौन सी जगह घुमा सकते हैं। इंटरेस्टिंग होगा जब पिक्चर्स आएंगे सामने, बट वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर बोथ ऑफ देम एंड वी होप दैट वी गेट टू सी मोर ऑफ देम ऑन सोशल मीडिया एंड इन द न्यूज। The dream run of Razi is still on at the box office. आइए देखते हैं Razi के worldwide collections. आलिया भट्ट स्टारर Razi अब तक box office पर धूम मचा रही है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर आकर ये न्यूज दी है कि Razi ने worldwide gross 207 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। स्टारर ये फिल्म अभी भी रेस 3 जैसी मूवी से कंपटीशन मिलने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म कर रही है और इस फिल्म ने एक बात प्रूव कर दिया है कि अगर कंटेंट अच्छा हो तो ऑडियंस इस फिल्म को पूरी तरह सपोर्ट करती है। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो फर्स्ट डे इस फिल्म ने सिर्फ 7.53 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन अच्छे वर्ड ऑफ माउथ की वजह से आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा रही है। सो सागर, क्या तुम्हें याद है
बॉलीवुड की ऐसी कौन सी फीमेल सेंट्रिक मूवी रही है अपार्ट फ्रॉम राजी जिसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 207 करोड़ से ज्यादा रहा है, आई मीन 200 का आंकड़ा क्रॉस किया है? नहीं है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट फिल्म दैट हैज एक्चुअली रीच्ड दैट हाइट, एंड कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ राजी एंड आलिया भट्ट स्पेशली एंड मेघना गुलजार फॉर मेकिंग दिस हैपन, एंड विकी कौशल आल्सो। एब्सोल्युटली, कंटेंट अच्छा है, लाइक वी ऑलवेज से, कंटेंट अगर अच्छा है तो फिल्म जो है इट विल, एंड ये मूवी जो है सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से, स्पेशली इनिशियली वर्ड ऑफ माउथ से जो है पीपल स्टार्टेड गोइंग एंड वॉचिंग दिस फिल्म, एंड लुक एट वेयर इट हैज नाउ रीच्ड। सो जस्ट लुक एट द फिगर्स, राजी मूवी का टोटल बजट इंक्लूडिंग प्रमोशंस मार्केटिंग एवरीथिंग वाज 37 करोड़ रुपीस, लेकिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इज 207 करोड़ रुपीस, सो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बहुत बार हुआ है, ठीक है, कलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है। एंड फीमेल सेंट्रिक मूवीज की बात करें बॉलीवुड की, सो पीकू आई थी, उसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन वॉज 141 करोड़, क्वीन आई जिसमें कंगना रनौत थी, उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वॉज 108 करोड़, लेट श्रीदेवी मैम उनकी मूवी आई थी इंग्लिश विंग्लिश, उसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन वॉज 90.42 करोड़, एंड आलिया भट्ट इन सबसे यंगेस्ट हैं, इन सबके बहुत बाद आई हैं, लेकिन मूवी कलेक्शन ब्रो 207 करोड़। लेकिन ये आलिया भट्ट की भी सबसे हिट फिल्म रही है। अब आप टू स्टेट्स की बात कर लो, टेक फॉर एग्जांपल बद्रीनाथ की दुल्हनिया, इनके भी सारे जहां पर हीरो भी मौजूद है उस फिल्म में, बट ये फिल्म आलिया भट्ट के लिए भी बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई है इन हर करियर एज वेल, दिस इज द बिगेस्ट हिट दैट शी इज गिवन। लास्ट फिल्म टॉक अबाउट टू स्टेट्स, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, इट डिड रियली वेल, इट रीच्ड 100 करोड़, बट दिस हैज रीच्ड 200 crore club, and we are very proud of you, Alia, and the entire team of Razi. And a special mention to Jungli Pictures, because two bade acche kaam hue unke saath. Ek to unki picture bahut kam budget mein ban gayi, because jab aap female centric movies banate hain, so this is a true fact about Bollywood, male stars are obviously paid more than female stars. To ek picture kam budget mein ban gayi, प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिला, तो अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपने पैसे भी बहुत अच्छे कमा लिए, आपने कंटेंट भी बहुत अच्छा दिया, एंड आपकी पिक्चर भी कम बजट में बन गई। सो आई थिंक ऑल दी अदर प्रोडक्शन हाउसेस, दे शुड गेट इंस्पायर्ड बाय जंगली पिक्चर्स, एंड दे शुड यू नो मेक मोर एंड मोर ऑफ female centric movies. But I'm going to cut you here, my friend, kyunki time is changing and now female stars are also charging much more, and of course they deserve it. All right, the big announcement coming your way, the biggest wedding of 2018 between Ranveer Singh and Deepika Padukone, uski date ho chuki hai final, aisa hame close sources ne bataya hai, to aaiye dekhte hain ye exciting khabar. रणवीर दीपिका की शादी को लेकर अब लगभग कॉन्फर्मेशन आ चुकी है। कहा जा रहा है कि 10 नवंबर की डेट को दोनों एक्टर्स ने फाइनल कर दिया है और शादी की तैयारी जोरों पर है। एक रिपोर्ट में रणवीर दीपिका के क्लोज सोर्सेस ने कहा है, द मैक्सिमम टाइम वॉज टेकन टू डिसाइड द डेट, बोथ रणवीर एंड दीपिका वॉन्ट एवरीथिंग अबाउट देयर मैरिज टू बी परफेक्ट, नवंबर 10th सूटेड देयर कैलेंडर्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स, द रोका वॉज डन लॉन्ग बैक एंड द वेडिंग डेट वॉज फाइनलाइज्ड जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो। यही नहीं, वेडिंग वेन्यू और शॉपिंग को लेकर भी सोर्सेज ने कहा है, द वेडिंग कैन टेक प्लेस इन इटली और बैंगलोर और बोथ, जस्ट लाइक विराट एंड अनुष्का'स, द फैमिली वॉज ऑल्सो टॉइंग विद द आइडिया ऑफ उदयपुर पैलेस, but that didn't work out. Preparations are on full swing from both sides. Ladies have begun the wedding shopping. Ranveer is extremely excited about the wedding and is evidently on cloud nine with both his professional and personal life being on a high. साफ है शादी की डेट फाइनल हो चुकी है और अपने फैंस को शायद ये दोनों स्टार्स शादी से ठीक पहले दें गुड न्यूज। वाओ, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण फाइनली अब एक साथ होंगे, और हम कह रहे थे ना कि ईयर एंड में हो सकती है इनकी शादी, और देखिए 10 नवंबर आ गई तारीख, अब रणवीर और दीपिका की होगी बैंड बाजा भारत। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट वेडिंग्स इन बॉलीवुड फॉर श्योर, और जितने भी हम यहां बैठकर प्लेनेट बॉलीवुड पर स्पेकुलेट कर रहे थे वो बिल्कुल सच है। तो रिमेंबर वी वर सेइंग कि दीपिका पादुकोण ने अपनी स्टाफ से कहा है कि नवंबर दिसंबर में छुट्टी ना ले, देन शी वेंट आउट फॉर ज्वेलरी शॉपिंग विद हर मदर, देन दे वेंट आउट फॉर फैमिली lunches and dinners together, and they shop together. फिर रणवीर सिंह ने भी थोड़ा सा वहाँ पर space रख लिया है December, November में। और ये देखो, हाल ही में, you know, ये पिछले मेरे ख्याल से 6-7 महीनों में ही ऐसा होना शुरू हुआ है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का सोशल मीडिया पर PDA हद से ज्यादा नजर आ रहा है। वो खुद भले ही ना बोले, लेकिन उनका PDA
उनके लिए काफी कुछ बोल रहा है. हार्ट इमोटिकॉन्स और माइन एंड ऑल दैट. एनीवे बट यू नो 10th नवंबर इट इज, दैट्स व्हाट द क्लोज सोर्सेज हैव कंफर्मड. इट कुड बी ईदर इन इटली, दे कुड गो द विराट अनुष्का वे, और इन बेंगलुरु या फिर दोनों जगह. Exactly. वैसे बेसिकली मैंने ये भी पढ़ा था कि ये लोग एक्चुअली उदयपुर में ट्राई कर रहे थे कि उदयपुर में हो जाए, लेकिन वहां पे चीजें वर्कआउट नहीं हुई. आई थिंक इसलिए वर्कआउट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ पद्मावत की जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो वहाँ के लोग अभी भी हैं कुछ ऐसे. अच्छा, रणवीर और दीपिका यहाँ नहीं आएंगे. बट यू नो कुणाल, गॉन आर द डेज जब सेलेब्स की प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होती थी, स्पेशली एक्ट्रेसेस की. सो आई एम अ 90s किड एंड लाइक टू टेक एन एग्जांपल फ्रॉम देयर कि अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, दे वर रेजिंग इन द 90s. दे वर ऑल मैरिड, उनकी प्रोफेशनल लाइफ और मूवीज को कोई अफेक्ट नहीं हुआ. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अ ट्विंकल खन्ना, जूही चावला, माधुरी दीक्षित, काजोल, ये जो है शादी करने के बाद थोड़ी सी जो है या तो उनकी चॉइस से फिल्म्स करना बंद कर दिया या ऑटोमेटिकली थोड़ा अफेक्ट हो गया. बट नाउ इन 2018 स्पेशली इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस. यही तो वक्त की सबसे अच्छी बात है, वो बदलता जरूर है. और अब हमारे पास एग्जांपल है कि शादी के बाद भी फीमेल एक्ट्रेसेस अच्छा खासा काम कर रही है, लाइक यू नो सोनम कपूर, करीना कपूर खान, अनुष्का शर्मा, एंड 10th ऑफ नवंबर के बाद दीपिका पादुकोण भी होंगी इस लिस्ट में शामिल. एंड आई जस्ट होप यू नो, बिकॉज बॉलीवुड मैरिजेस में ना एक चीज हमेशा ये रहा है कि यार ज्यादा लंबी टिक नहीं पाती. मतलब एक है पता नहीं क्यों, मे बी डिफरेंसेस आ जाते हैं मूवीज की वजह से, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, कुछ तो होता है. आई जस्ट होप कि दीपिका एंड रणवीर के बीच में ऐसा कुछ ना हो. वेल डोंट वरी कुणाल, ऐसा कुछ नहीं होगा. इनफैक्ट इन दोनों को अब और ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिल सकते हैं, जस्ट लाइक विरुष्का. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर 10th ऑफ नवंबर. एंड यू गाइस स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम आपको देंगे सबसे पहले सारी खबर इन दोनों को लेकर. After much speculation that Brahmastra is going to be a superhero film, Ranbir Kapoor breaks his silence and calls it a romantic fairy tale. Actor Ranbir Kapoor ne apne fans ko ye kehkar chauka diya hai ki film Brahmastra nahi hogi ek superhero film. Ji haan, Ranbir ka kehna hai ki is film ko superhero film kehna theek nahi hoga. क्योंकि ये एक सुपर नेचुरल रोमांटिक फेरी टेल है और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है. यही नहीं, रणबीर ने ये भी रिवील किया है कि इस फिल्म पर अयान मुखर्जी ने अब तक 6 साल लगाए हैं और अपनी लाइफ के नेक्स्ट 10 इयर्स भी वो इसी ट्रिलॉजी पर लगाएंगे. ओ, I thought it will be a superhero picture like ब्रह्मास्त्र. वो बोलते हैं ना सबसे powerful शस्त्र होता है. वैसे है, it's a supernatural film, but Ranbir Kapoor calls it a romantic fairy tale at heart. But जो हो सकता है, क्यों नहीं, सुपर पावर्स है तो क्या आप प्यार नहीं कर सकते. ये भी सही बात है, मैं बिल्कुल कर सकते हैं. But you know, I think it's a big risk to announce a trilogy before even releasing the first installment. I mean, just imagine, for example, let's say पहला पार्ट नहीं चला. क्या उसके बाद वो पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाएंगे? बट कुणाल, लुक एट द बज दैट्स अराउंड ब्रह्मास्त्र. आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आयान मुखर्जी, इन चारों की चौकड़ी जो है, इट्स अ सक्सेस इन देमसेल्व्स, यू नो. और जब ये साथ आए हैं ब्रह्मास्त्र के साथ, इतना बस क्रिएट है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे बिलीव दैट ब्रह्मास्त्र विल बी अ ब्लॉकबस्टर. एंड ऑब्वियसली रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट, एवरीवन wants to see them together. I mean, आयान मुखर्जी के जिंदगी के कुछ 16 साल लग सकते हैं इस पिक्चर में. 6 साल स्क्रिप्ट पे काम किया. कहा जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में इस पिक्चर के 3 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगे. आई जस्ट होप कि पहला जो इंस्टॉलमेंट बने वो कमाल का बने, कहीं ऐसा ना हो. बिकॉज यू नो सुपर हीरो पिक्चर्स इंडिया में, इंडियन ऑडियंस बॉलीवुड एक्टर्स को सुपर हीरो अवतार में इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करती है. या लाइक रावण डिडंट वर्क फॉर द ऑडियंस. रावण वाज स्टिल बेटर. द्रोणा डिडंट वर्क, बट क्रिश वर्कड. ओके, क्रिश हैज वर्कड एंड उनके इतने सारे पार्ट्स आए. तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी. व्हाई नॉट, आई फील दैट इंडियन सुपर हीरोज शुड बी आउट देयर वेयर इवन बॉलीवुड में चर्चे हो कि भाई दिस गाय इज द इंडियन सुपर हीरो. आई वॉन्ट दैट टू हैपन फॉर रणबीर कपूर पर्सनली. बट करण जो है बिलीव्स इन दिस प्रोजेक्ट. उन्होंने इतने पैसे लगाए हैं इसमें. ही इज बैकिंग अप मुखर्जी एंड सयान मुखर्जी एज अ डायरेक्टर. सो आई थिंक दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट फॉर देम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रह्मास्त्र. भाई आलिया भट्ट और वरुण धवन की हिट जोड़ी को एक बार फिर से कैश इन कर सकती है करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस विद देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट रणभूमि.
वरुण धवन और आलिया भट्ट की हिट जोड़ी को डायरेक्टर शशांक खेतान अपनी नेक्स्ट फिल्म रणभूमि के लिए कर सकते हैं कास्ट। कहा जा रहा है कि वरुण के नाम पर कॉन्फर्मेशन के बाद शशांक करण जौहर से लीडिंग लेडी को लेकर बात कर रहे हैं, और जैसा कि हर कोई जानता है, आलिया करण और शशांक दोनों की ही फेवरेट है। ऐसे में ये रोल उन्हें ही मिल सकता है। आखिर शशांक की दो बड़ी हिट फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया में आलिया और वरुण ही साथ नजर आए थे। वैसे अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी शशांक खेतान का ये भी कहना है कि वो अपनी दुल्हनिया फ्रेंचाइज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ऐसे में वरुण आलिया की कई फिल्म्स हैं इन पाइपलाइन। वरुण धवन टुगेदर हैव गिवन क्वाइट अ फ्यू हिट्स। इनफैक्ट जितनी भी फिल्में की है धमाकेदार रही है बॉक्स ऑफिस पर, और फिर से करण जौहर इस जोड़ी को एनकैश करना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आई थिंक करण जौहर इज इन लव विद द ट्रायो, सो आलिया भट्ट, वरुण धवन एंड शशांक खेतान, राइट? इस जोड़ी को, इस तिगड़ी को एक्चुअली करण जौहर बहुत प्यार करते हैं। और आलिया और वरुण की बात करें तो ये मेरे ख्याल से इनकी फिफ्थ मूवी होगी साथ में, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्री की दुल्हनिया, कलंक जिसमें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित भी होंगे, और ये पांचवी मूवी रणभूमि। और ऑडियंस पसंद करती है आलिया भट्ट और वरुण धवन की इस जोड़ी को। इट्स ऑलमोस्ट लाइक शाहरुख खान एंड काजोल जो हुआ करते थे इन द रोमांटिक जोन। आई गेस इट्स टू सून टू कंपेयर देम विद शाहरुख खान एंड काजोल। दे आर लाइक यू नो हैशटैग कपल गोल्स वाला सीन है उनका, रियल लाइफ का। सो इट्स टू सून टू यू नो कॉल देम लाइक शाहरुख खान एंड काजोल, बट या जो यंगर लॉट है बॉलीवुड का, फिर जो आज का लॉट जिसे हम कहते हैं, उसमें दे आर लाइक सुपर गुड। तो दैट्स व्हाट करण जौहर इज ट्राइंग टू डू मे बी। बट उनकी जोड़ी की अगर बात करें, दे आर क्यूट एट द सेम टाइम दे आर हॉट, सो इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन एंड ऑडियंस लव टू सी देम ऑन स्क्रीन। एंड रणभूमि एक्चुअली हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज नॉर्मली आप उन्हें रोमांटिक जॉनर कॉमेडी जॉनर में ही देखते हैं, तो आई एम इंटरेस्टेड टू सी द प्लॉट ऑफ रणभूमि। या आई मीन आई वॉज अबाउट टू से दिस कि यू नो प्रोड्यूसर शुड ट्राई व्हेन दे टेक आलिया एंड वरुण टुगेदर, ये दोनों ही कमाल के एक्टर हैं, और दोनों ने प्रूव भी किया है कि वो रोम कॉम भी कर सकते हैं, वो सीरियस भी कर सकते हैं, वो एक्शन भी कर सकते हैं। सो अब कुछ ऐसा आए इनके बीच में कि दोनों अपनी अपनी अलग से कुछ दिखा पाए एक्टिंग, एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड वी आर रियली एक्साइटेड टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर वंस अगेन इन रणभूमि। बॉलीवुड के साथ साथ ब्रांड वर्ल्ड में भी रणबीर कपूर ने किया बिग कमबैक। लेट्स हैव अ लुक एट द कंप्लीट स्टोरी। रणबीर कपूर अचानक ब्रांड वर्ल्ड में बन गए हैं सबके फेवरेट। फिल्म संजू के बज का डेफिनेटली रणबीर को मिल रहा है पूरा फायदा। सोर्सेस का कहना है रणबीर ने एक बड़े ई कॉमर्स ब्रांड के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। कहा जा रहा है कि रणबीर ने इस ब्रांड को साइन करने के लिए काफी बड़ा अमाउंट चार्ज किया है। रणबीर इस ब्रांड के लिए काफी इनोवेटिव एड्स शूट करने वाले हैं, और वो खुद अपने इनपुट्स भी दे रहे हैं। लगता है आमिर खान की कंपनी में रहते रहते रणबीर कपूर भी बन गए हैं परफेक्शनिस्ट। एक बात तो सच है, जो दिखता है वही बिकता है, और ये बात रणबीर कपूर बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बिल्कुल सरकार, देर आए दुरुस्त आए। पहले आप देखो, रणबीर कपूर जब अपने पहले रिलेशनशिप में, जितने भी रिलेशनशिप्स में थे, कभी भी खुलकर सामने नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल जब कटरीना के साथ थे तो पपराजीज पे गुस्सा हो जाते थे, इनफैक्ट यार क्यों लिख रहे हो मेरे बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों लिख रहे हो। लेकिन अब जब आलिया भट्ट के साथ हैं, अच्छे से पोज करते हैं, इनफैक्ट आलिया भट्ट के बारे में बहुत सारी चीजें कह रहे हैं दैट यू नो इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड एंड ऑल द स्टफ। सो बेसिकली उन्हें समझ में आ गया है कि न्यूज में कैसे रहना है, और उनका ये जो बज है अराउंड हिम एंड आलिया भट्ट एंड द फिल्म संजू दैट्स कमिंग अप हैज रियली हेल्प्ड रणबीर कपूर फॉर अ बिग कमबैक। ही इज बीन साइंड बाय वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड, और ये उनका बहुत बड़ा कमबैक है ब्रांड वर्ल्ड में। और ऑफकोर्स जब आप बज में रहते हो, वेन ऑडियंस लव्स यू, वेन योर फिल्म कमिंग अप, दैट्स एग्जैक्टली वेन यू कैन कैश आउट ऑन बींग द फेस और द ब्रांड। और यही चीज उन्हें करण जौहर ने समझाई, बिकॉज एक टाइम ऐसा हो गया था जब रणबीर कपूर की ना पिक्चरें उतना कुछ काम कर नहीं रही थी, लाइक जग्गा जासूस, तमाशा, इट वाज अ गुड मूवी बट डिडंट वर्क फॉर हिम, राइट? सो ब्रांड वर्ल्ड में बहुत सारे ब्रांड्स ने उन्हें अब अपना फेस बनाने से मना कर दिया, कुछ ब्रांड्स ऐसे भी थे जिन्होंने ऑब्वियसली उन्हें रिप्लेस कर दिया, बट अब एक बड़ा कमबैक हो रहा है। so यही करण जौहर ने समझाया, यू नो टॉक बी इन द न्यूज, इफ यू विल बी इन द न्यूज, जो दिखेगा वही बिकेगा, सीधा सा फंडा है। एंड एज यू हैव सेड अर्लियर, रणबीर कपूर शायद अब समझ गए हैं कि खबरों में कैसे बने रहना है। ऑलराइट देन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रीदर ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, बट यू डोंट गो एनीवेयर बिकॉज़ वी विल बी बैक विद सम मोर बॉलीवुड न्यूज।
When we talk about celebrities, how can we not talk about their fashion? First up, Alia Bhatt. Now, she was spotted wearing a striking red hot shirt with a knot. She paired it with blue jeans and pointy black stilettos with hoops. We spotted Ranbir Kapoor in a very, you know, easygoing, relaxed avatar. He was wearing a blue checkered shirt with blue denims and white sneakers. On the other hand, we saw Parinity Chopra looking very classy and elegant in Namaste England's wrap-up party, and she wore a white pantsuit with a black crop top and she had sleek hair. Arjun Kapoor was also spotted at the Namaste England wrap-up party. He was wearing a black print t-shirt with black denims and brown shoes, a very cool and casual avatar. वहीं दिशा पटनी को हमने स्पॉट किया वेयरिंग अ ब्राइट रेड ट्यूब टॉप विद लाइट ब्लू टोन जीन्स. नाउ शी पेयर्ड हर लुक विद ब्लैक बूट्स. नाउ इफ यू हैव अ ग्रेट बॉडी व्हाई नॉट फ्लॉन्ट इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिशा पटनी इज डूइंग. करण जौहर वाज आल्सो स्पॉटेड एट अ पार्टी एंड ही वाज वेयरिंग अ व्हाइट प्रिंटेड ट्रेंडी जैकेट विद ब्लैक टी-शर्ट, ब्लैक डेनिम एंड ब्लैक शूज. एंड द बेस्ट पार्ट इज आई थिंक करण जौहर वांट्स टू लुक टॉल, सो इफ यू लुक एट हिज शूज, मिनिमम 2.5 इंचेस हील. वहीं मलाइका अरोरा, मैन, शी इज एन एब्सोल्यूट हेड टर्नर. शी वाज स्पॉटेड वेयरिंग अ ब्यूटीफुल आइवरी सीक्विन जंपसूट विद अ सारी ड्रेप एंड अ मैचिंग सीक्विन बेल्ट. शी कंप्लीटेड हर लुक विद सिल्वर हील्स. नो एक्सेसरीज वाज द की. शी लुक्ड स्लीक, शार्प एंड एलिगेंट. सो टुडे वी गिव ऑल आवर सेलिब्रिटीज अ बिग थम्स अप फ्रॉम Zoom एंड Myntra. Well, this brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Lekin jaane se pehle aapko batate hain about our outfits of the day. Well, I've chosen to wear an orange bodycon dress with red pointy pumps. And I'm wearing a maroon printed t-shirt with super cool white leather jacket, blue denims and white loafers. So if you like our looks, then log on to Myntra.com right away. The prizes have been revealed. Go add your favorite style picks in the wish list for the end of recent sale, which starts tomorrow, 22nd June to 25th June. Go hurry, guys, and we see you tomorrow, same time, same place, only on Zoom.